हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 4 का हमारा फर्दर पार्ट। कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वी हैव सीन टू इंस्टेंस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन इन द एरिया ऑफ पॉलिटिक्स। इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स, वन लार्जली पॉजिटिव एंड द अदर लार्जली नेगेटिव। हमने देखे दो इंस्टेंसेस जो एक्सप्रेशन के थे सोशल डिविजन के लिए पॉलिटिक्स के एरिना में। एक पूरी तरह से पॉजिटिव था और दूसरा जो है पूरी तरह से नेगेटिव था। लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस। और अब हम अपने फाइनल केस की तरफ जाते हैं, दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जो कास्ट और पॉलिटिक्स को बता रहा है। That has both positive और negative aspects, जिसके both positive और negative aspects हैं। Caste inequalities, caste की inequality, हर caste equal नहीं होती या हर caste को हम एक तरह के नज़रिए से नहीं देखते। सभी caste को लेकर हमारे नज़रिए अलग अलग होते हैं। तो ये inequalities क्या हैं? Unlike gender and religion, जैसे gender और religion, या किसी के female है या male है, ये gender को लेकर inequality होती है। Religion है किसी धर्म को लेकर inequality होती है। और उसी तरह से caste division जो है एक special thing है इंडिया में। All societies have some kind of social inequality. हर सोसाइटी में किसी स्पेशल टाइप की सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और उसी के बेस पर कुछ डिवीजन होते हैं लेबर्स के। इन मोस्ट सोसाइटीज, बहुत सारे या मेजॉरिटी सोसाइटीज में ऑक्यूपेशन आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बहुत सारी सोसाइटीज में एक ऑक्यूपेशन ही जनरेशन टू जनरेशन चलता है। मतलब आज जिस आदमी ने, जिसका जो ऑक्यूपेशन है, सपोज ग्रॉसरी शॉप है, तो डेफिनेटली वो उसका बेटा संभालेगा, उसके बेटे के बाद में उसके बेटे का बेटा संभालेगा। तो ये जो ऑक्यूपेशन से ये पास होते जाते हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। और कास्ट सिस्टम जो है ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है, या बहुत ही हाईली इस चीज़ से कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम को एकदम एक्सट्रीम माना गया है। What makes it different from other societies? और क्या चीज़ है जो इसे अलग करती है अलग अदर सोसाइटीज से? Is that in this system, heredity occupational division was sanctioned by rituals. Rituals के through ही, या प्रथाओं के through ही heredity occupation जो है occupational division हुआ है। मतलब occupations का heredity के हिसाब से, heredity मतलब अगर एक आदमी है तो उसका बच्चा वही occupation करेगा, then उसका बच्चा वही occupation करेगा। इस तरह से sanction किया गया है कुछ प्रथाओं के through। मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वेर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी। जो सेम कास्ट ग्रुप के होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक सोशल कम्युनिटी को, दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, जो सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करते हैं। मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। और वो लोग जो हैं उनके बीच में जो शादी होती है, विवाह होते हैं, वो भी उस सेम कास्ट ग्रुप में होते हैं, और वो किसी और कास्ट ग्रुप के लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकते। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन। एक एक्सक्लूजन के बेस पे कास्ट सिस्टम बेस्ड है या टिकी हुई है। ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। एक तो डिस्क्रिमिनेशन करना, आउटकास्ट ग्रुप्स मतलब आपकी कास्ट के अलावा जो कास्ट ग्रुप्स हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेट करना, ये चीज़ होती है, उससे अलग रहना। दे वेर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। और ये सब्जेक्ट करता है इनह्यूमन प्रैक्टिस को, मतलब जो इंसानियत के नाते बहुत गलत है, ये वो प्रैक्टिस हम लोग कहते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं जो है अनटचेबिलिटी की, जो हमने स्टडी किया था क्लास 9 में। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, और इसी के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, परियार रामास्वामी, ये लोग जो थे ये इस चीज़ के लिए आगे आए। नेकर एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी। और इन लोगों ने वर्क किया कि एस्टैब्लिश करें एक सोसाइटी को जिसमें कास्ट इनइक्वालिटीज जो हो वो हो ही ना, एब्सेंट हो। ऐसी चीज़ को इन्होंने बढ़ावा दिया या फिर इस चीज़ को उन्होंने इस्टैब्लिश किया। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट एंड पार्टली ड्यू टू अदर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। आधा तो उनके एफर्ट्स के कारण और आधा जो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे। कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंजेस। और उनकी इस मेहनत के कारण या कुछ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के कारण कास्ट और कास्ट सिस्टम जो थी हमारे मॉडर्न इंडिया में वो ग्रेट चेंज उसके अंदर देखने को मिला। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, जो लार्ज स्केल पे अर्बनाइजेशन या शहरीकरण होने लगा, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी,
पढ़ाई में रेट, पढ़ाई का जो रेट ग्रोथ है वो बढ़ने, मतलब रेट है वो बढ़ने लगा या ग्रो होने लगा, लिटरेट होने लगे लोग, एंड एजुकेशन, एजुकेशन ज़्यादा लोग लेने लगे, एजुकेशन बढ़ने लगा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशन जो है मोबाइल हो गया है कह सकते हैं, और फैलने लगा, एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजिशन ऑफ लैंड लॉर्ड्स इन द विलेज एंड द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। और इसी के कारण जो कि इतनी सारी चीज़ें होने लगी, तो इसके कारण जो लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन थी विलेज में, लैंडलॉर्ड्स मतलब जो पैसा देते हैं, गिरवी रख के लोगों को पैसा देते थे उनका काम करने के लिए विलेजेस में, वो लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन थी वो वीक होने लगी, क्योंकि जो लोग उनके हाथ के नीचे थे या उन जिन लोगों को वो दबाते थे या जिन लोगों को वो पैसा देते थे, आज वो लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए थे इन एफर्ट्स के कारण जो गांधी जी या अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले ने किए थे उसके कारण। और यहाँ पर जो ओल्ड नोशंस थे या हमारी जो मान्यताएं थी पुरानी कास्ट हायरार्की की, वो भी ख़त्म होने लगी या टूटने लगी। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब देखते हैं बहुत सी बार इन अर्बन एरियाज इट डज नॉट मैटर मच हु इज़ वॉकिंग अलॉन्ग नेक्स्ट टू अस ऑन द स्ट्रीट और ईटिंग एट नेक्स्ट द टेबल ऑफ द रेस्टोरेंट। और इसीलिए आज लोग की सोच जो है या लोग जो है इतने ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं कि अब अर्बन एरिया में ये मैटर नहीं करता कि कौन आपके साथ चल रहा है या कौन आपके पास चल रहा है, कौन आपके टेबल के पास वाली टेबल पर खाना खा रहा है रेस्टोरेंट में, ये मैटर नहीं करता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसने पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया या रोक लगा दी किसी भी तरह के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को। मतलब कोई छोटी कास्ट का है तो उसे आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, उसे आप दबाओगे या उसके उससे हक छीनोगे, ये चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और इसके कारण फाउंडेशन हुआ पॉलिसीज का जो रिवर्स कर रहा था इनजस्टिस या अन्याय की चीज़ों को जो कास्ट सिस्टम के बेस पर हो रही थी। इफ़ अ पर्सन हु लिव्ड अ सेंचुरी ago were to return to India, she would be greatly surprised to see the changes that has come about in the country. अगर कोई पर्सन है जो बहुत सेंचुरी पहले रहती थी इंडिया में, सपोज एक कंसिडर करें, और वो जो वापस इंडिया रिटर्न आए, तो वो यहाँ की ये जो चेंजेस हैं उसे देख कर ग्रेटली सरप्राइज हो जाएंगे कि किस तरह से चेंजेस हुआ है इंडिया में। Yet caste has not disappeared from contemporary India. लेकिन आज भी कास्ट या अलग अलग धर्म या अलग अलग जात जो है, जाति जो है, वो डिसअपीयर या ख़त्म नहीं हुई है इंडिया से। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड। अभी तक भी कुछ पुराने एस्पेक्ट जो हैं कास्ट को लेकर अभी भी चल रहे हैं। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं या अपने ट्राइब में ही शादी करना ठीक मानते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली। अनटचेबिलिटी या अछूत की जो चीज़ें थी वो चीज़ आज भी पूरी तरह से इंडिया में ख़त्म नहीं हुई है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। इसके बावजूद कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है या प्रोहिबिट कर दिया है, इस पर रोक लगा दी है, लेकिन आज भी इंडिया के कई हिस्सों में अनटचेबिलिटी को माना जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू बी फेल्ट टूडे। आज भी इफेक्ट जो हैं, जो सेंचुरीज पहले थे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं वो कंटिन्यू हैं, जो महसूस किए जा सकते हैं। द कास्ट ग्रुप्स दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशनल एज वेल। वो कास्ट ग्रुप जो एक्सेस करते थे एजुकेशन को ओल्ड सिस्टम के हिसाब से, आज बहुत ही अच्छे से एक्वायर कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन को भी। Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. और वो groups जो कभी भी access नहीं कर पाए, education को पा नहीं पाया, जिन्हें education नहीं मिल पाया या जिनके लिए मना था कि वो acquire करें, naturally acquire करें education को, वो वाले जो groups हैं वो पीछे रह गए। That is why there is disproportionately large presence of अपर कास्ट अमॉन्ग द अर्बन मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। और इसीलिए एक डिसप्रपोर्शन जो है वो बन गया, जिसका लार्ज प्रेजेंस हमको देखने को मिलता है अपर कास्ट के रूप में, जो अर्बन मिडिल क्लास में होता है हमारी कंट्री में। मेजॉरिटी लोग मिडिल क्लास में आते हैं, लेकिन कुछ लोग अपर क्लास में होते हैं, और वो अपर क्लास वाले लोग वो होते हैं जिन्हें एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिला और वो बहुत अच्छे से उसे एक्वायर कर सके। कास्ट कंटिन्यू to be closely linked to economic status. और caste को माना जाता है, closely link किया जाता है आपके economic status के साथ में।
आगे बढ़ने से पहले एक और हमें यहाँ पिक्चर में कुछ दिया है, यहाँ ये गर्ल है जो कह रही है आई डोंट केयर व्हाट माय कास्ट इज, मैं इस चीज़ की मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरी कास्ट कौन सी है। व्हाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दिस इन द टेक्स्ट बुक, हम इसे क्यों टेक्स्ट बुक्स में डिस्कस कर रहे हैं। आर वी नॉट प्रॉम्प्टिंग कास्टिज्म बाय टॉकिंग अबाउट कास्ट, क्या अभी भी हम प्रमोटिंग आर वी नॉट प्रमोटिंग कास्टिज्म, क्या हम कास्टिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं इस कास्ट के बारे में बात करने के बाद। इस तरह से ये लड़की का कहना है। नाउ यू डोंट लाइक इट, डोंट यू टेल मी दैट वॉट एवर दैट वेयर एवर देयर इज डोमिनेशन वी शुड डिस्कस इट इन पॉलिटिकल साइंस, विल कास्ट डिसअपीयर इफ वी कीप मम अबाउट इट। और यहाँ पर इस लड़की के चीज़ को जवाब में मिला है, कह सकते हैं कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, क्या तुम बता सकते हो कि कहाँ पर डोमिनेशन नहीं होता। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा। और क्या कास्ट जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी या नहीं, कास्ट के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनने को मिलेगी अगर हम इसके बारे में चुप रहेंगे। इसीलिए हमें यह है कि इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर पार्ट जो है कास्ट इन पॉलिटिक्स, वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।